आज हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर टॉपिक कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलिनिन एंड टायरोसिन एंड डिसऑर्डर्स जो भी इससे रिलेटेड होते हैं वो सबसे पहले फ़िनाइल एलिनिन एंड टायरोसिन जो होते हैं ये दोनों ही एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं फिनाइल एलिनिन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है क्योंकि अपनी बॉडी से के द्वारा सिंथेसाइज़ नहीं होता है इसे हम डाइट से लेते हैं एंड टाइरोसिन जो है फ़िनाइल एलिनिन से बन जाता है तो इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है साथ ही साथ प्रिकर्सर है न्यूरो के लिए न जो कैटाबलिज्म है फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन का ये सिक्स स्टेप्स के अंदर होता है सो फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन मतलब फ़िनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है सेकेंड है डिग्रेडेशन ऑफ टायरोसिन तो इसके अंदर टायरोसिन जो है वो टूटता है थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ होमोजेनेटिस्टिक एसिड सो इसके अंदर होमोजेनेटिस्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है फोर्थ है क्लीवेज ऑफ एरोमेटिक रिंग सो इसके अंदर जो है एरोमेटिक रिंग टूटती है फिफ्थ है आइसोमेराइजेशन सो so, इस स्टेप के अंदर जो है आइसोमेराइजेशन होता है एंड सिक्स स्टेप है हाइड्रोलाइसिस सो so, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होता है मतलब वाटर का जो है एडिशन होता है सो so, ये है कंप्लीट साइकिल फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन के कैटाबॉलिज्म की सबसे पहले फिनाइल एलेनिन जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंड यहाँ पर एक ओटो मोलिक्यूल कंज्यूम होकर के एच डो का फॉर्मेशन होता है एंड टाइट्रा हाइड्रोबायप्टेरिन जो है वो डाई हाइड्रोबायोप्टेरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये जो है ये हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन होती है देन टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सीफिनइल पायरोवेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिन ट्रांसअमीनेस एंड एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट कंज्यूम होकर के ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है ये रिएक्शन जो है अमिनेशन रिएक्शन है देन हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट होता है होमोजेंटिसट के अंदर एंड यहाँ पर एस्कॉर्बेट जो है वो साइकिल में एंटर करके डी एस्कॉर्बेट प्लस एच टू प्लस सीओ टू का फॉर्मेशन करता है ये रिएक्शन जो है डी कार्बोक्सीशन एंड रिएक्शन है देन होमोजेंटिसेट जो है वो कन्वर्ट होता है मेलिल एसिटो एसिडेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंड यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर करता है साइकिल के अंदर देन मेलिल एसिडो एसिडेट जो है कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिल एसिडो एसिडेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलिल एसिटो एसिडेट आइसोमरीज एंड ये रिएक्शन जो है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होती है देन फ्यूमेरिल एसिडो एसिडेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिडो एसिडेट प्लस फ्यूमेरेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमेर एसिटो एसिटेज एंड एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड होता है ये जो है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है सो so, ये है कम्प्लीट कैटाबोलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड टाइरोसिन और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं फर्स्ट डिसऑर्डर है फिनाइल कीटो न्यूरिया ये जो है ये एक रेयर जेनेटिक डिसडर है जो कि होता है एनजाइम जीन जो होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीज जीन उसके अंदर कोई डिफेक्ट होने की वजह से डिसऑर्डर होता है ये एक कंजेनाइटल डिजीज है एंड इसे फिनाइल पैरोविक ओलिगोफ्रैनिया भी कहते हैं ये कंडीशन जो है ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के रूप में होती है चिल्ड्रन के अंदर अब जो फिनइल हाइड फिनाइल हाइड्रोक्सीज जीन है ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीज एनजाइम बनाता है एंड ये एंजाइम जो है ये फ़िनाइल एलेनिन के ब्रेकडाउन में मदद करता है तो इससे क्या होता है जब इस एंजाइम में डिफेक्ट आ जाता है तो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता एंड इसकी वजह से फिनाइल पायरोविक फिनाइल लैक्टिक या फिर फिनाइल एसिटिक एसिड्स जो है इन सब का फॉर्मेशन होने लग जाता है जो कि फर्दर मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है जनरल सिम्टम्स जो हैं फिनाइल कीटोन यूरिया के वो है सीजर्स ट्रीमर्स स्टंटेड ग्रोथ स्किन कंडीशंस जैसे कि एक्जेमा पाउल स्मेल एक्सेट्रा सो यह है कम्प्लीट फिनाइल कीटोन यूरिया देन आता है सेकेंड डिसऑर्डर है एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म जो है ये एक कन डिसऑर्डर है जिसके अंदर कंप्लीट या फिर पार्शियल एबसेंस हो जाती है पिगमेंट की स्किन हेयर एंड आइज़ के अंदर ये डिफेक्ट है उन जीन्स के अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेलेनिन मेलेनिन पिगमेंट को इस डिसऑर्डर को एल्बिनिज्म को अक्रोमिया भी कहते हैं जो डिफेक्टिव जीन होता है वो दोनों पेरेंट्स से चाइल्ड में आ जाता है इससे एल्बिनिज्म जो है वो चाइल्ड के अंदर हो जाता है जो एल्बिनिज्म है ये विजन प्रॉब्लम से भी एसोसिएटेड है ये जो होता है ये इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव जीन अलील्स की वजह से होता है दो टाइप के एल्बिनिज्म होते हैं ऑक्युलर एल्बिनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ आइज को इफेक्ट करता है ऑक्यूलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म जिसमें आइज हेयर एंड स्किन तीनों इफेक्ट होते हैं नो सिम्टम्स जो है एल्बिनिज्म के वो हैं लिटिल या फिर नो मिलान आई स्किन एंड हेयर के अंदर मतलब आई स्किन एंड हेयर के अंदर थोड़ी सा थोड़ा सा मिलानिन होगा या फिर मिलानिन पिगमेंट कम्प्लीटली एबसेंट होगा दूसरा सिम्टम है कि विज़न प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेलानिन की डेफिशिएंसी की वजह से तीसरा तीसरा सिम्टम है कि आईज़ जो है वो ब्लू रेड या फिर ब्राउन होती है कलर में फोर्थ सिम्टम है स्किन एंड हेयर जो है वो बहुत ही पेल होते हैं कलर में नेक्स्ट सिम्टम है सेंसिटिविटी हो जाती है ब्राइट लाइट से जिसे फोटोफोबिया भी कहते हैं नेक्स्ट है सनबर्न जो है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर है एल्केप्टो न्यूरिया एल्केप्टो न्यूरिया जो है सब ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड फिनाइल एंड टायरोसिन जो है वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते मेलिल एसिटो एसिटिक एसिड को फॉर्म करने में जो कि प्रोटीन के अंदर मिलता है सो so, जब मेलिल एसिटो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता तो जो डिसऑर्डर होता है उसे एल्केप्टो न्यूरिया कहते हैं सो so, ये डिसऑर्डर होता है जब बॉडी जो है वो जितना चाहिए होता है उतना होमोजेनटि जेनेटिस्टिक डाई एंज़ाइम जो है उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती ये एंजाइम क्या करता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है होमोजेनेटिस्टिक एसिड इसके ब्रेक डाउन में मदद करता है बट जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो लिवर में जो है होमोजेनेटिस्टिक एसिड जो है वो लिवर के थ्रू यूरिन में जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो इसकी वजह से यूरिन जो है वो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की होती है ये जनरली होता है प्री मेच्योर इन्फेंट्स के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से इसे क्योर किया जा सकता है सफिशेंट विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सो ये है कंप्लीट एल यूरिया डिजीज लास्ट है टायरोसिनीमिया टायरोसिनीमिया ये एक एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है जहाँ पर बॉडी जो है वो अमीनो एसिड टायरोसिन को अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाती टायरोसिनीमिया जो है ये न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं लिवर एंड किडनी में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है टायरोसिनीमिया जो है ये होता है एबसेंस ऑफ फ्यूमेरल एसिटो एसिटेड हाइड्रोलिज एंडज़ाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए एफ एच का एबसेंस एबसेंट होना बॉडी के अंदर इससे क्या होता है टॉक्सिक मटीरियल्स जो हैं वो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज के अंदर एक्यूमलेट हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से किडनी एंड लिवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तीन टाइप्स जो हैं टाइरोसिनमिया के वो हैं टाइप फर्स्ट जो कि मेनली फेमारिल एसिडो एसिड हाइड्रॉक्सीज एनजाइम की वजह से होता है टाइप सेकेंड जो कि होता है डेफिशियसी ऑफ टाइरोसिन अमीनो ट्रांसफर एनजाइम टाइप थर्ड जो कि होता है डेफिशिएंसी ऑफ फोर फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरविद डाइऑक्स एंजाइम सो ये तीन टाइप के टायरोसिनीमिया है देन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं टायरोसिनीमिया के फर्स्ट है एनलाज लिवर देन येलो स्किन देन डायरिया देन स्वेलिंग ऑफ लेग्स देन किडनी प्रॉब्लम देन एलिवेटेड सीरम एंड प्लाज्मा टायरोसिन लेवल देन एक्सेसिव टीयरिंग एंड मेंटल रिटार्डेशन सो ये जो है कंप्लीट कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलिन टायरोसिन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि इस कैटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड होते हैं फिनाइल कीटोन एल्बिनिज्म एल्केप्टोन एंड टायरोसिन सो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक